नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, ईसीएल का बीएचडी कोलेरी क्षेत्र हमेशा से ही धार्मिक सौहार्द का मिसाल पेश करता रहा है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले ही वहां स्थित एक दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक भव्य कव्वाली का आयोजन किया गया था, जहाँ पे सभी धर्म और जाति वर्ग के लोगों ने मिलजुल कर उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी तरह आज वहाँ एक नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल से ही प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये नौ दिवसीय प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत काफ़ी सारे कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि यह कार्यक्रम भी यहाँ के सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के आयोजकों से कि ये जो 9 दिवसीय महायज्ञ का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आगे क्या क्या है। सानी प्रजा सानी पशु सानी लोक सान्य सानी अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नम पायोरे तो स्मा सुधत जे देवा दिव्य का भगवान की सेवा में अर्पित किया है सादर धन्यवाद। आइए भगवान की कथा हम लोग श्रवण करें, दो बार हरिनाम संकीर्तन कर लें और जो भी हमारे भाई बंधु जत्र तत्र इधर उधर घूम रहे हैं, आप बैठ करके ही भगवान की कथा श्रवण करें। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
अच्छा, यहाँ के प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त में जरा बताइए आप। यहाँ 108 श्री श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है और नया मंदिर और हनुमान प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। 9 दिन का प्रोग्राम, 9 दिन का जग है, मेला का आयोजन किया गया, 9 दिन का भंडारा का आयोजन किया गया है। टोटल प्रोग्राम हम लोग का कोशिश है, पहली बार हो रहा बेजी कॉलेरी में। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस प्रवचन को पूरा करने के लिए? प्रवचन बनारस से आ रहे हैं, बनारस का है, और उसके बाद पटना का है, काशी विश्वनाथ का है, वहाँ से जज आए हैं पंडित जी लोग, प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का। आपका नाम? मेरा नाम नेपाल चौधरी, काउंसिलर वार्ड नंबर 73, समिति के भी सदस्य। हाँ, सही है, प्रोग्राम का सेक्रेटरी हूँ। प्रोग्राम का सेक्रेटरी? ठीक है, धन्यवाद। बाबा आपका पूरा परिचय? देखिए, मेरा नाम रविंद्र व्यास, रविंद्र जी महाराज अयोध्या धाम से आए हुए हैं और इस यज्ञ के संयोजक हैं श्री सीताराम दास जी महाराज, जिनके नेतृत्व में यह यज्ञ हो रहा है। यहाँ के लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है और यह जो यज्ञ हो रहा है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबके हित की कामना से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये धर्म है। और धार्यते इति धर्म, धर्म सबको लेकर के चलता है और ये सनातन धर्म सबको जोड़ करके चलता है। यज्ञ इसीलिए किया जाता है, सारे समाज को जोड़ने का यह कार्य करता है यज्ञ, और उसी का यह प्रतिफल सामने है कि यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, सभी धर्म के लोगों का यहाँ सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से यह यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ में अयोध्या काशी से सारे विद्वान लोग पधारे हुए हैं, वृंदावन की रासलीला रामलीला भी है, तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। समिति के इस वैज डी कोलियरी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और इसके जितने भी संरक्षक हैं वो बड़े सुंदर हैं और तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और हम भी यहाँ कथा करने के लिए आए हुए हैं। और इस बारे में आप थोड़ा सा व्याख्या बता दें। हाँ, देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का मतलब है कि राम चरित्र है परम पवित्र, कृष्ण चरित्र है परम विचित्र। राम जी के चरित्रों को हम अपने जीवन में सांगोपांग अपना सकते हैं, लेकिन कृष्ण चरित्र को अपने जीवन में अपना नहीं सकते हैं। रामचरित्र मानस की कथा जीवन में जीने की कला सिखाती है और भागवत की कथा अमरत्व प्रदान करती है। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र आए और कहा कि ये अमृत ले लीजिए, राजा को पिला दीजिए, क्योंकि इनको ऋषि का श्राप है कि 7 दिन के बाद ये मर जाएंगे, तो हमको ये कथामृत पान कराइए और इसके बदले में हमसे आप अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी ने इनकार कर दिया, कहा कि तुम लोगों के भाग्य में ये कथामृत नहीं है, ये तो मनुष्यों के भाग्य में है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, है ना, तो यह जो भागवत कथा है और राम कथा, ये पुरातन से सनातन से यही जीवन में ग्रहण करने योग्य है। रामचरितमानस की कथा जीवन में सुख दुख में हमारा सहयोग करती है और कृष्ण कथा भगवान गीता का जो उपदेश है वह भी हमको जीवन में एक नया संदेश देती है, हमें ज्ञान सिखाती है और कृष्ण के उपदेश से हमारे जीवन का कल्याण है और राम कथा को हम अपने जीवन में उतार करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो राम कथा और कृष्ण कथा जग में सुंदर है, दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। तो चरित्र के हिसाब से भगवान कृष्ण के चरित्र को हम अपने जीवन में न उतारें, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारें और राम जी ने जो करके दिखाया है उसको अपने जीवन में उतारें, यही रामचरितमानस का और श्रीमद् भागवत का, गीता का मतलब सदउपदेश, यह समाज को एक संदेश देता है, युवा पीढ़ी को विशेष करके इस कथा में भाग लेना चाहिए और आज का समाज राम कथा और कृष्ण कथा से ही अपना जीवन सुधार सकता है और अपने जीवन यापन करने में वह समृद्धशाली बन सकता है जब वह सत्संग से, अध्यात्म स्थल से जुड़ेगा। व्यक्ति जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ता है तब तक उसके जीवन में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार नहीं होता है। आज आप देखते होंगे
प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 17 घंटे तक बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को अपने अंदर जगाया है। उसका प्रतिफल क्या है कि आज जातिवाद को छोड़ करके सारे लोगों ने, भारत के सारे वर्गों ने नरेंद्र मोदी जी को एक मत से उनको चुना है। इसमें ऊर्जा शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त हो रही? आध्यात्मिक शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन में भी सुख प्रदान कर सकती है और पारलौकिक जीवन में भी आपको सुख दे सकती है जी। आज बेजडी इलाके में इस तरह के इतनी बड़ी तरीके से जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये महायज्ञ कब से शुरुआत की गई? शुरुआत तो ये 27 तारीख से शुरू करेंगे। 27 तारीख कितने दिवसीय है ये महायज्ञ? 9 दिवसीय। जोर से बोलिए, 9 दिवसीय। अच्छा, आपका नाम? शंभु पांडे। अच्छा, ये महायज्ञ का जो आयोजन किया गया, इस यज्ञ के साथ और क्या क्या आयोजन किया गया? इसमें रासलीला है, मेले का आयोजन है, प्रवचन है और खिचड़ी का भोग का ही प्रोग्राम किया हुआ है। इस तरह के महायज्ञ का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य लोगों में क्या संदेश जा रहे हैं? संदेश जा रहे हैं हम लोग यहाँ उद्देश्य कर रहे हैं कि यहाँ का सभी खुशहाल रहे, यहाँ का जनता, यहाँ का सभी परिवार सब खुशहाल रहे, इसलिए हम उद्देश्य कर रहे हैं। यहाँ जो प्रवचन देने के लिए जो हम महाराज जी आए हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका श्री शास्त्री जी नाम है उनका। कहाँ से आए हैं? आपका नाम? दयाचंद नोनिया। समिति के सचिव। ठीक है, धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये 9 दिवसीय महायज्ञ है, यहाँ पर हमारे बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के उपलक्ष्य में ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजन की गई है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लगभग कितने लोग आए हैं? यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 हज़ार लोगों का भंडारा है। प्रतिदिन 1.5 से 2 हज़ार लोग सुबह शाम भोजन करते हैं और महायज्ञ में भाग लेते हैं। ठीक, धन्यवाद। इस तरह के महायज्ञ, इतने बड़े पैमाने जी महायज्ञ के आयोजन की गई, इसमें बहुत तरह के अड़चन या परेशानियां भी हो सकती हैं, क्या इस तरह की कोई परेशानी बीच में आई क्या? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। सभी धर्म और सभी मजहब के लोग दिल से साथ दे रहे हैं और कोई भी परेशानी और कोई बाधा नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक से चल रहा है और हम लोगों का आज करीब 1 महीना से जो प्रचार हुआ इस यज्ञ का, उसमें सभी वर्ग के लोग दिल से शामिल हुए। अच्छा, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे डेली 150 से 200 लोगों की भोजन की व्यवस्था की जाती है, इसमें काफ़ी सारे और इतने बड़े पंडाल और प्रवचन देने के लिए जो महाराज जी आए हुए हैं, काफ़ी पैमाने में खर्च भी होगी, इसके लिए आप लोगों को सहयोग कहाँ से मिला? हम लोग दाता बहुत हैं कोइलवरी में और प्रत्येक दाताओं के पास हम लोग गए हैं, यज्ञ के बारे में विशेष रूप से उनको समझाए हैं। और हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है और हमें नहीं लगता है कि धर्म को बढ़ाने के लिए किसी का भी उसमें आक्षेप आया। दिल से खोल के इतना समर्थन दिया कि दान देते गए और यज्ञ बढ़ता गया और प्रोग्राम बढ़ाते गए, जैसे जैसे आता गया पैसा प्रोग्राम बढ़ते गया, कोई तरह का धन का कमी नहीं आया। कार्यक्रम के आयोजन में किन किन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा? देखिए, यहाँ के तमाम जनता, नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, सभी लोगों का दिल से सहयोग रहा। ये धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें अधिक से अधिक लोग चढ़ बढ़ करके भाग ले रहे हैं। बेजडी नहीं बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी गांव कस्बे हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं और अपना इसमें सहयोग दे रहे हैं। ये तो पुण्य का काम है, इसलिए सारे लोगों का भरपूर सहयोग है। मेला नहीं है, अभी मेरा जो है ना,